हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस तरीके का फ्लावर जिसका ही हम जल्दी से डोरमेट भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस डोरमेट का डिज़ाइन हम आपको एक हफ्ते में अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। फिलहाल अभी हम आपको ये फ्लावर बनाना बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने 10 चेन लेके 24 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। आगे का हम आपको बना के दिखाते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे, इस तरीके से 5 चेन ले लिए हमने। अब 2 स्किप करके तीसरे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और 2 स्किप करके और यहाँ पे इस तरीके से। फिर 2 चेन लेंगे और 2 स्किप करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरी रो बनाएंगे। ये देखिए, 2 स्किप करेंगे एंड तीसरे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम आपको पूरा राउंड बनाते हुए दिखाते हैं। हमें सेम वैसे ही करना है। 2 चेन लेंगे और 2 स्किप करेंगे, इसी तरीके से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरीके से मैं पूरी रो में 2 स्किप करके और 2 चेन लेके डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इसी तरीके से हम बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा उसी चेन में हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब हम आपको आगे का बनाते हुए दिखाते हैं। इसमें थोड़ा सा सिकुड़न है बट हम आगे का फ्लावर बनाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। चेन टाइट होने की वजह से आप चेन ढीले लेंगे तो आपका नहीं सिकुड़ेगा। अब यहाँ पे हम 4 चेन लेंगे चार चेन लेने के बाद हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया इनकम्प्लीट बनाएंगे। यानी हम 2 बार धागा लेंगे और दोनों धागे को करेंगे पर वो जो हमारा चेन वाला फंदा है और उसे इनकम्प्लीट रखेंगे। इनकम्प्लीट 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर साथ में ही चारों को एक ही में कर देंगे। और फिर 5 चेन लेंगे इस तरीके से और फिर नेक्स्ट वाले में भी 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इनकम्प्लीट 4 ट्रिपल क्रोशिया इनकम्प्लीट हम हर रो में बनाएंगे। अब हम चारों को एक ही में कंप्लीट करेंगे।
फिर 5-6 लेंगे और इसी तरीके से पूरी रो बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बन गई है। अब हम इसे, ये जो हमने चेन लिया था, इसी में 5 चेन लेने के बाद स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे, इसी तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए ये फ्लावर हमारा बनके कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो, आप हमें लाइक करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।